देखिए, जैसा कि हमने देखा था इसमें कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस थे, इसको आपने देखा आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो न्यू रूल्स में आता है वो सारे ऑप्शंस यहाँ भी अवेलेबल है। ठीक है जी, यहाँ तक कि आप उसमें से कोई अगर ऑप्शन निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है किसी भी तरह की, लेट सपोज कि आइकॉन सेट लगा है कोई, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे मैनेज रूल्स में जाके। ठीक है जी, मैनेज रूल्स में जाके जो ये होता है, ये ऑप्शन जो होता है, और इसमें जो ये एडिट रूल होता है, ये भी वही डायलॉग बॉक्स, सेम डायलॉग बॉक्स होता है। कहने का मतलब ये है कि मेन सेटिंग यहीं से होती है, ऊपर के जो प्री डिफाइंड दे रखे हैं वो बस ऐसे ही है। ठीक है जी, मेन सेटिंग यहाँ से होती है, वो एक शॉर्टकट्स की तरह दे रखे कि आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल जो इंटरफेस है वो ये है। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे अभी इसकी बात करें कि फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ठीक है जी, फॉर्मेट स्टाइल कौन सा चाहिए आपको, टू कलर स्केल, थ्री कलर स्केल? जैसे अपना थ्री कलर स्केल था उसी तरह से अपने पास टू कलर स्केल है। कलर स्केल के बारे में देखा होगा आपने, जैसे रेड येलो ग्रीन, इस तरह से स्केल बनता है, इसी तरह से इसमें भी स्केल बनता है। ठीक है जी, तो ये एक स्केल है, जैसे भी हम देखेंगे फॉर्मेट अगर अप्लाई करते हैं तो क्या आता है अपने सामने, एक स्केल आ जाता है उसी वैल्यू का, कि लोएस्ट के लिए अपने पास ये पिंक टाइप का आ रहा है, ऑरेंज टाइप का। सबसे कम वैल्यू डाल के देखते हैं तो ये ऑरेंज आ रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू डाल के देखें तो ये लाइट येलो शेड में। ठीक है जी, तो वो ये ऑरेंज से लाइट येलो शेड की तरफ में जो बढ़ रहा है, मतलब जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये लाइट येलो शेड में बढ़ रहा है। तो ये सेम एज कलर स्केल्स की तरह है, हालांकि इसका ये कलर स्केल्स का यूजेज बड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है जी, तो कलर स्केल आप यहाँ से दे सकते हैं, जिसमें अलग अलग कलर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा ऑरेंज, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस तरह से कलर चाहिए। जैसे मैंने ब्लू से येलो में जाना है, तो इस तरह से मैं अप्लाई कर सकता हूँ अलग अलग सेटिंग्स। यहाँ पे सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आपको सब चीज खुद करनी पड़ती है। मैं इसको जरा हटा देता हूँ, क्लियर रूल्स से हम इनको हटा सकते हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। अगर आपके सेल सिलेक्टेड है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर दूसरी फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा तो मैनेज रूल्स में ये देख रहे हैं दो तरह की फॉर्मेटिंग चली हुई है, तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसा ना करें। तो यहाँ से आप इनमें सिलेक्शन ले सकते हैं, या वर्कशीट में जितने अवेलेबल है वहां से ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और नहीं तो हम लोग क्लियर रूल्स में भी जाके सेम चीज कर सकते हैं। तो न्यू रूल्स में पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास। टू कलर स्केल है, इसी तरह से थ्री कलर स्केल है, जिसके पास जिसमें आपको मिडल वैल्यू भी चूज करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है जी, देन आपके पास डेटा बार्स हैं। डेटा बार्स मैंने इसमें आपको बताया गया था, जैसे कि सेल कॉलम्स टाइप के होते हैं, इस तरह से एक कॉलम्स की तरह होते हैं, जैसे बार चार्ट वगैरह होता है ना, तो उसमें बढ़ता है। तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसका कलर जो भी एक करना है आपने चूज वो आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना कलर बार डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, शो बार ओनली जो ऑप्शन है इसमें आपकी क्या होगा कि वैल्यू हट जाएगी, खाली ये बार्स दिखाई देंगे आपको, क्योंकि ये ग्राफिकल इंटरफेस है, तो आप इजीली वैल्यू को समझ सकते हैं कि हाँ कहाँ ज्यादा है कहाँ कम। अब 2 डिजिट तक की वैल्यू है तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सा बड़ी छोटी है, बट जब 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट पे जाती है तो वैल्यू को आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इस तरह के ग्राफिकल ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, जैसे कि अपना आइकॉन सेट्स हो गया, डेटा बार्स हो गया, कलर स्केल हो गया, इसी के लिए यूज होते हैं। आइकॉन सेट्स भी आपके पास, तो आइकॉन सेट में जो कंडीशन होती है, पहले मैं पुरानी वाली हटा देता हूँ, फिर नई में क्लियर से मैं ये सिलेक्टेड वाले क्लियर कर देता हूँ।
जैसे कि मैंने एक आइकॉन सेट यहाँ से अप्लाई किया था और इसकी जब मैं मैनेज में जाके या वहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, इस पर आता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि नहीं यार, अगर मुझे ये सेल्स है और तीन में कैटेगराइज करना है, तीन हिस्सों में, तो मैं इसमें करूँगा कि जो राइट वाली है वो सबसे अच्छी सेल्स में आना चाहिए, एवरेज ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है एवरेज सेल्स में आना चाहिए, ठीक ठाक है। बट हेलो कुशार जी, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरी। सैयद जी आपको क्लियर है आवाज मेरी? आपके क्लियर है, क्लियर है, मुझे क्लियर है। सैयद जी कोई भी आप मेरे को आपका ये कुशार जी, मुझे आपका जो मोड दिख रहा है वो फोन मोड पे दिख रहा है, आप अपने स्पीकर्स वगैरह चेक कीजिए एक बार, ठीक है जी। या फिर दोबारा कनेक्ट कीजिए। तो मैं ये कह रहा था इसमें कि अब जैसे मैंने बताया कि जो 70 से 90 की है, जैसे 10 से 90 के बीच की वैल्यू यहां मौजूद है, तो मैं ये मेरा एक सीधा सा क्राइटेरिया फिट करना है कि 70 से जो 90 तक की वैल्यू है वो राइट में आनी चाहिए, ठीक है जी। मैं क्या करूंगा, द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, बस क्या चेंज करना है, यहाँ टाइप में परसेंटेज है, बाय डिफॉल्ट वो था 67%, 33%, मतलब ऑन एन एवरेज बेस पे तीन कैटेगराइजेशन उसने कर ली, ठीक है जी। बट अब हमें एग्जैक्ट पता है कि हमें करना क्या है, तो यहाँ से परसेंट की जगह हम नंबर चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ हम आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दे रही हूँ, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल के दो साइन है, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि 70 से 90, मतलब कहने का मतलब 71 से 90, तो मैं ग्रेटर देन का भी साइन यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब दूसरे वाले में भी मुझे कुछ नंबर्स देने हैं कि जो अपना 50 से 70 का जो है, मतलब 51 से 70 का जो है वो एवरेज में होना चाहिए, तो यहाँ मैं 51 से 70 यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, ठीक है जी। और जब मैं आगे बढ़ूंगा इसमें तो देखूंगा कि अगली वो खुद ले लेता है, ठीक है जी। तो ये तीन केस में मैं ये आइकॉन्स लगा सकता हूँ। अब देखेंगे कि मेरे आइकॉन्स एकदम परफेक्ट हो चुके हैं जिस तरह से मैं चाह रहा था, ठीक है जी। तो इनकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको आइकॉन ऑर्डर रिवर्स में चाहिए तो यहाँ से रिवर्स आइकॉन ऑर्डर ये राइट का नीचे आ जाएगा, इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं शो आइकॉन्स ओनली, शो आइकॉन्स ओनली में क्या होता है कि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो जैसे बार शो बार ओनली था ना, वैसे शो आइकॉन्स ओनली है, तो वैल्यू हट जाएगी, आपको खाली आइकॉन्स नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और देखते हैं इसके अंदर। इसके बाद इसमें है फॉर्मेट ओनली सेल दैट डिटेल्स। अब इसमें जो हमारे पास था सेल इक्वल टू ये सेल कंटेनिंग ये नॉट कंटेनिंग बिगिनिंग विद, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे कि सेल वैल्यू बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू नॉट, सारे लॉजिकल ऑप्शन आपके सामने, ठीक है जी। ये तो रहे नंबर के, ठीक है जी। फिर इसमें आपके स्पेसिफिक टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट में क्या था, कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग, आई गेस मुझे आप, मैं इस तरह से चल रहा हूँ कि ये कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग आपको पता है कि क्या होता है, अगर ना पता हो तो बता दीजिएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। कंटेनिंग का मतलब होता है जैसे टेक्स्ट में हमारे पास कुछ कंटेन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे नाम है कुछ, तो यहाँ से नाम है, कुछ नाम है मेरे पास, तो स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर लिया जाए तो कंटेनिंग मतलब मैं कहता हूँ कि जहां पे डबल ई हो, ठीक है जी, डबल ई हो, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, तो कंटेनिंग इसके लिए यूज होता है। और यहाँ पे जो आप फॉर्मेट का बटन देख रहे हैं, इसके हिसाब से आप फॉर्मेट कर चूज कर सकते हैं, इवन नंबर फॉर्मेट तक हम चूज कर सकते हैं कि उस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या होना चाहिए, ठीक है जी। तो फॉन्ट अगर हम चूज कर सकते हैं, फिलहाल हम चूज करते हैं फिल को, ठीक है जी, मैंने येलो चूज कर लिया, तो जहाँ पे भी डबल ई हो वो फिल कर दे किससे, येलो से। जब मैं ओके करूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से फिल कर देगा, ठीक है। बाकी और देखते हैं, तो कंटेनिंग इसलिए यूज होता है, बाकी बिगिनिंग
मतलब शुरुआत में कोई कैरेक्टर हो और एंडिंग विद एंड में कोई कैरेक्टर हो, तो इस तरह से हम स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए दे सकते हैं। डेट अक्रिंग, आज की डेट है, कल की डेट है, टुमारो की डेट है, 7 दिन पीछे की डेट है, पिछले हफ्ते की, अगले हफ्ते की, तो ये हफ्ते वाली जो डेट्स की कैलकुलेशन है आपकी इस तरह से हो गया। यहाँ से सेलेक्ट करके कोई भी फॉर्मेट देते हैं कि जैसे अगर हमने टुडे का दे दिया और वो फॉर्मेट दे दिया कि तो जहां भी आज की डेट आएगी वो फॉर्मेट कर देगा जो भी आप फॉर्मेट यहाँ पे देंगे। ब्लैंक्स जो खाली सेल्स होंगी जिनमें वैल्यू नहीं होगी उनको करेगा फॉर्मेट जो भी सेट करेगा। नो ब्लैंक्स मतलब जो ब्लैंक नहीं होंगी जो फील्ड है सेल्स उनको करेगा। एरर जहाँ पे एरर है और नो एरर जहाँ एरर नहीं है, तो ये सिंपल है। आगे चलते हैं, आपने टॉप और बॉटम रूल्स पढ़े थे तो उसी की तरह इसमें भी टॉप। संदीप जी, हाँ जी, संदीप जी, कौशल बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ संदीप जी, अभी आपने बताया एरर्स और नॉन एरर्स, वो कैन यू रिपीट अगेन दिस वंस अगेन फॉर दिस रिपीट दिस एरर्स एंड नॉन एरर्स, वो अभी बताया था आपने सेल में, सेल वैल्यू के अंदर। हाँ, एरर्स, एरर्स मैं बता देता हूँ एरर्स होते क्या है, ठीक है जी। गिव मी एग्जांपल फॉर एरर्स। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब भी आप जैसे वी लुकअप अगर आप लगाते होंगे, ठीक है जी, तो इस तरह की एरर आती होगी जब उसे वैल्यू नहीं फाइंड होती है। जब भी हमारा डिवाइड बाय जीरो होता है किसी भी डिजिट को, इसको मैं जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो ये डिवाइड बाय जीरो की एरर आती है, ठीक है जी। कोई एक ऐसा रेफरेंस मैं चूज कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है जी, यहाँ रेफरेंस चूज किया और इसको मैं कंट्रोल सी करके जब यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो कायदे से इसको भी आगे हो जाना चाहिए था क्योंकि लॉकिंग नहीं लगाई, डॉलर नहीं लगाया, तो ये मुझे देगा रेफरेंशियल एरर, ठीक है जी। तो इस तरह की जो एरर्स आती हैं, और बाकी मैं एक आध टेक्स्ट लिख देता हूँ, एक आध नंबर लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब इस पे एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है जी। तो एरर्स हो गई और मेरे पास कुछ नॉर्मल वैल्यूज हो गई, ठीक है जी। तो न्यू रूल में गया और यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, अगर मैं यहाँ से एरर्स चूज करूँ, फॉर्मेट सिलेक्ट कर दूँ, ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है जी, तो ये एरर्स वाली इसने फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है सर, जो एरर है। ओके, और नो एरर मतलब जहां एरर नहीं है वो फॉर्मेट कर देगा। मैं जाके इसी के एडिट ऑप्शन में इसको चेंज कर देता हूँ, नो एरर्स में डाल देता हूँ यही फॉर्मेट। जैसे ही मैं ये अप्लाई करूंगा जहां एरर नहीं है उनको हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी। जब हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाते हैं ना सर, तो ये एरर्स जो है वो एक्सपेक्टेड होती हैं, तो इनको जैसे बड़ा डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस तरह की फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप सब कुछ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये कि फॉर्मेटिंग जो है कंडीशन के बेस पे, कोई भी कंडीशन, ओके, कंडीशंस लिमिटेड नहीं है आपके, ओके, जो आप चाहें जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो हम उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे लगाएं। फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यू, ये आपने देखा ही था कि टॉप एंड बॉटम रैंक कैसे होता है। टॉप बॉटम आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसमें था टॉप 10 आइटम बॉटम 10 आइटम्स, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं टॉप 20 या बॉटम 20 ले सकते हैं, और 20% या 10% जो भी परसेंटेज में चाहिए तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है जी। पता है ना टॉप 10% 20% का क्या मतलब था, या टॉप 10 आइटम्स का क्या मतलब। देन अबव एवरेज और बिलो एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज में जो भी आप डेटा सिलेक्ट करते हैं उसको पूरे को टोटल करता है, उसका एवरेज निकाल देता है, और फिर एवरेज से जितनी अबव में सेल होती है जो उससे बड़ी होती है उनको फॉर्मेट कर देता है, और जो बिलो एवरेज में आप बिलो एवरेज से बिलो की जो सेल्स है उनको फॉर्मेट कर देते हैं। इक्वल और बिलो, इक्वल और बिलो, इक्वल और अबव, इक्वल और बिलो, इस तरह के भी ऑप्शन अवेलेबल। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिकल्स आ गए, हालांकि यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने में हो जाए। फॉर्मेट वहां पे क्या है, ये होता क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होता है, इट्स अ डिफरेंट वे, इट विल बी कम टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास और व्हाट।
सर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, जब भी हम डेविएशन की बात करते हैं तो ये एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। जैसे जिस ओके तरह हम एवरेज यूज करते हैं ना, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, ठीक है जी। तो ये मैथमेटिक्स की थोड़ी हैवी टर्म है जिसको मतलब एक्सप्लेन ऐसे कर पाना मुश्किल है, इसके लिए आपको बहुत सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसका, तो मतलब स्टैटिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है जी। मैं तो ये बता सकता हूँ कि हाँ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल, पर वो कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता ना, ठीक है जी। नहीं, यानी कॉन्सेप्ट, यानी फिर यानी वो ऑप्शन में है क्या एग्जैक्टली, यानी वो ऑप्शन किस लिए यूज हम लोग करते हैं इन एक्सेल, फॉर व्हाट एवर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमको वो फॉर्मूला यूज करने करना पड़े, तो व्हाट शुड आई डू, देखिए मुझे इस क्या तरह करना चाहिए, वो का फॉर्मूला यूज करना हो, डेविएशन का जो भी फॉर्मेटिंग यूज करना। फॉर्मूला यूज करेगा, वो जो भी यूज करेगा या जो यूज करने की सलाह देगा, वो खुद अपने आप में बिजनेस एनालिस्ट होगा, एनालिस्ट लेवल का होगा, ठीक है जी। और वो क्योंकि इसके लिए क्या कहते हैं ना, जैसे मैनेजमेंट करने के लिए पीछे से कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है ना, तो एवरेज वेवरेज तक तो हम लोग काम चला लेते हैं, पर उसके आगे जाने के लिए हमें भी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है ना सर, मैं वो कह रहा हूँ। तो हाँ, ये तो यानी नेक्स्ट, जैसे वो जो अकाउंट नेक्स्ट क्लास में आएगा, नेक्स्ट क्रेडिट, क्लास में आएगा, या तो फिर यानी अभी अभी आप क्लियर नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, इट्स एडवांस, नहीं वो ये सही। एक्सेल से लेना देना नहीं है इसका सर, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक्सेल से लेना देना नहीं है वो उसका। ओके हाँ ओके एक्सेल में तो आपके एक्सेल में साइंटिस्ट क्यों? वाले भी फॉर्मूले हैं, अब साइंटिस्ट की इक्वेशन आप थोड़ी समझते करेंगे कि उसमें है क्या, है कि नहीं। नहीं, साइंटिफिक दिया नहीं है, बट यानी कम से कम हम उसको एक्सप्लेन तो कर पाओगे आप कि ये किसकी वजह से, ये किस लिए यूज किया जाता जा सकता है, कि या तो ऐसा कुछ तो हमें एक्सप्लेन कर पाते हैं ना। फॉर देखिए एग्जाम्पल, गिव मी एग्जाम्पल। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड डेव का फॉर्मूला है। अब इसमें नंबर वन नंबर टू करके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ निकाल के देता है। अब इसको मैं क्या बता पाऊंगा कि ये क्या निकाल के दिया है, जब तक मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, है कि नहीं। एवरेज का तो मैं बता देता हूँ, सबका सम करके वो करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मुझे खुद नहीं पता पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं कैसे बताऊंगा, है कि नहीं। तो वो चीज, ओके फॉर्मूले सारे हैं, देखिए हम लोग फॉर्मूले, कोई बताए हमें कॉन्सेप्ट तो हम यूज कर सकते हैं, एक्सेल वाले से तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना सर। अब हम लोग मैनेजमेंट की पूरी किताब पढ़ के तो बैठे नहीं हुए कि हमारे चीज एक्सप्लेन करें। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज, यानी होता है कि कोई शॉर्टकट ढूंढने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है, कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है मैनेजमेंट लेवल के, आप वो देता है कुछ काम, कोई यानी शीट दिया उन्होंने, आप ऐसा करो, तो हो सकता है कि वो जो आपने डेविएशन जो बताया, इससे हमको इजिली हम लोग उसको मैनिपुलेट कर पाए वो चीज, इसकी वजह से पूछ रहा हूँ कि वॉट इज द वही बता रहा एग्जैक्टली हूँ, यूज फॉर दीज फॉर्मूलाज, मैं वही इसलिए मैं बता आपको पूछा। रहा हूँ, जो आपको इस चीज का काम देगा ना, वो खुद एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या चीज है। अगर वैसे ही बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको इस डेटा का, तो आपने ये बस ये फंक्शन यूज करना है और जो डेटा दे उसका करके यूज कर देना, डेविएशन निकाल रहा है। अब क्या है ये नहीं मालूम मुझे, लिंक करने ओके वाला कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है इसमें, अब इसका बैकग्राउंड मालूम क्या होता है कि नहीं। ओके समझ गए ना मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया, यानी इसके रिलेटेड अपना है नहीं ये टॉपिक, ये समझ गया। हाँ जी हाँ जी, जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग के फॉर्मूले देखेंगे तो इंजीनियरिंग में ये बाइनरी टू ऑक्टा, ये क्या बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, इसके पीछे इनके फॉर्मेट जानने पड़ते हैं ना कि पीछे है क्या। अब कोई कहे कन्वर्ट करने को तो हम हाँ, तो वो इंजीनियरिंग बेस पे, तो इसकी वजह से। हाँ इसी से रिलेटेड, इसी तरह स्टैटिकल से हाँ, रिलेटेड। तो इंजीनियरिंग बेस पे तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, जो आपसे ये काम करवाएगा वो आप, इन्होंने एक्सेल एक आदमी के लिए तो बनाया नहीं है, बनाया पूरी पब्लिक के लिए, तो हर कोई बंदा अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से यूज करता है, ठीक है जी। बेसिक एडवांस एक्सेल में जो जनरल फीचर्स होते हैं, मतलब जो हर हाँ, कोई यूज कर सकता है, वो हम बताते हैं, और उसके बाद मेरा, पता हो जाता है किसको। मैं संदीप, संदीप एक ही चीज आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना एक्सेल में तो हर चीज यानी एक्सपर्ट नहीं होना चाह रहा हूँ, बट ये चीज है कि हमारा जो मेन थिंग टेलीकॉम में जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो केपीआई बेस्ड होता है, और आई थिंक सो यू हैव नॉलेज अबाउट दिस केपीआई। ओके, केपीआई का आपको पता होगा कि डेली बेसिस पे हमको केपीआई यानी हमको चेक करना होता है, और उसको केपीआई को डेली बेसिस पे अपडेट करके डेली बेसिस एक ही रिपोर्ट हमको जनरेट करना होता है, हाँ जी हाँ तो जी उस हिसाब से वो हमको, मैंने उस चीज से बात किया था,
कि उस हिसाब से हमको KPIs डेली बेसिस पे हमको 1-2 घंटे वेस्ट करना पड़ता है. इससे बेटर है कि हम लोग एक मैक्रो बना ले उसका और डेली बेसिस पे उसको इम्पोर्ट कर ले और एक्सपोर्ट निकाल दे. तो फिर बाद में उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि कौशल फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव दिस बेसिक नॉलेज फॉर दिस एक्सेल. तो मुझे नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, बेसिक नॉलेज. और इसके बाद फिर सेकंड स्टेप है कि मैक्रो के लिए आप यूज कर सकते हो, सम फॉर्मूलेस आपको पता हो. इसके बाद इसलिए मैं आपको पूछा कि यानी इन फ्यूचर मेरे को ऐसा ना हो कि कुछ फॉर्मूला पता नहीं है तो इसकी वजह से मैं उसका मैक्रो कुछ यानी अपने हिसाब से कुछ क्रिएट करना पता ना हो मुझे, इसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन किया. सर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 फॉर्मूले यूज करने के बाद ना आप एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला अपने आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं. बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि इतना ट्रेंड कर देना कि आगे देखिए लर्निंग खत्म नहीं होती कभी भी, ना हमारी खत्म होगी ना आपकी खत्म होगी. ठीक है जी, वो आपका भी पास वही रहेगा. कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए उसमें कभी कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, तो हमेशा नए स्कोप्स रहते हैं. बस हमारा ये है कि वो आपको एक पाथवे दे देना कि जिसमें आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और दिक्कत ना हो और लोगों के साथ आपको डील करना. ठीक है जी, बोलिए चलिए आगे कर लेते हैं. इसमें आगे के कवर कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला तक मैंने जाना है इसमें. तो एरर नॉन एरर वाला आपको क्लियर हो गया सर, जिसको हमने दिखाया था. हाँ जी, यूनिक वैल्यू फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज. अब इसमें यूनिक वैल्यूज जो हैं, जो मतलब एक ही बार आई हैं, उनको फॉर्मेट कर देता है, और डुप्लीकेट चूज करेंगे तो डुप्लीकेट वाली कर देगा. आई थिंक इसमें हर एक वैल्यू कई बार आ चुकी है क्योंकि 600 का डेटा है, तो इसलिए नहीं कर रहा है. पर बीच में मैं कोई एक यूनिक वैल्यू डाल देता हूँ. अप्लाई हुआ भी कि नहीं? अच्छा, मैंने फॉर्मेट नहीं लगाया. तो फॉर्मेट मैं चूज कर लेता हूँ यूनिक के लिए, ये लो अप्लाई. तो जो यूनिक वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे हाईलाइट हो गई. ठीक है, जो एक ही बार आई, इसी में मैं डुप्लीकेट भी चूज कर सकता हूँ कि जो वैल्यू डुप्लीकेट है, जैसे 3003 आपको दिख रहा है, तो ये रिपीटेड होगी कहीं ना कहीं. अब की बात ये हो जाएगी आगे. ठीक है जी, तो यूनिक डुप्लीकेट आप हाईलाइट कर सकते हैं. देन आगे बढ़ते हैं, यूज फॉर्मूला जो सबसे लास्ट है बट सबसे पावरफुल यही है. अब इसके बाद के जो आगे के काम है ना, कि आपके सारे काम यहाँ तक हो गए, अब इससे ऊपर के काम सारे इस पे जाते हैं, फॉर्मूला पे. ठीक है जी, फॉर्मूला पे आपने लॉजिकल फॉर्मूले के बारे में पता होगा. लॉजिकल फॉर्मूले किए हैं, जैसे लॉजिकल फॉर्मूले में हम ये ग्रेटर देन इससे करके जो ट्रू फॉल्स रिजल्ट निकालता है. फॉर एग्जाम्पल हमने किया हुआ इफ एंड काउंट इफ होता है फॉर एग्जाम्पल, फिर बाद में कॉन्केटेड है और समथिंग लाइक दिस, जो डुप्लीकेट है टेक्स्ट टू कॉलम, ये सब फॉर्मूलेस यानी बेसिक फॉर्मूलेस कुछ पता है हम लोग जो एक्सेल में यूज करता था. मतलब बाकी जो एंड और ये वाले फॉर्मूले यूज किए हैं? नहीं, एंड और वाले फॉर्मूले यूज नहीं किए. और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ऑल्सो न्यू फॉर अस, कि मेरे वास्ते नया है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग. अच्छा, राइट, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने ज्यादा था. देखिए ये जो चीज होगी वो फॉर्मूला एक्सपर्टाइज के साथ आएगी, पर मैं ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और इसकी सिर्फ एक कंडीशन है, ये तभी फॉर्मेट करेगा कि जब कोई फॉर्मूला इसे ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है जी, ट्रू फैक्टर रिटर्न करता है. पहले सिंपल वे में देख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे. ठीक है जी, और ये अगर आपकी ये वाली क्लास नहीं हुई है तो सुजीत सर आगे करवाएंगे. तो इसमें जो हमारे लॉजिकल वैल्यूज लगती है, कुछ ट्रू फॉल्स जो है लॉजिकल वैल्यूज देती है. जैसे मैंने रेफरेंस सिलेक्ट किया कि 10 इज ग्रेटर देन 20. ठीक है जी, तो एक तरह की क्वेरी हो गई, लॉजिकल टेस्ट है. तो इसका आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि 10 20 से बड़ा नहीं है. ठीक है जी, मान लीजिए बड़ा हो जाता है तो ये दे देता है ट्रू. ठीक है जी, तो ये जो ट्रू आया है ये इसके लिए हमें इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू. ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू. अब वहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें कोई भी फॉर्मूला चलाने के लिए इसका ख्याल रखना पड़ता है कि
हमें उस पे कोई भी मतलब अपना लॉजिक इसी हिसाब से सेट करना पड़ता कि ट्रू आने पे कलर हो जाना चाहिए। तो जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, इसी डेटा को थोड़ा सा अल्टर कर देता हूं। पता नहीं अभी देखो। जैसे मेरे डे वाइज सेल्स है, यहाँ पे 6 दिन की सेल्स ले ली। अब देखिए, मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं दिया है, इसको मैं डेट वाले को हटा, अभी इसमें दिया कुछ नहीं है। पर करना क्या चाह रहा हूं कि जिसकी सेल्स 300 से ऊपर हो वो हाईलाइट हो जाने चाहिए, ठीक है जी, पूरी रो। मतलब ये डाटा, जैसे अगर ये जो सेल्स है, टोटल सेल्स 300 से ऊपर है, यानी कि यहाँ पे मैं सम का फंक्शन लगा के ये चेक करूंगा कि क्या ये सेल्स 300 से ऊपर है। मतलब ये जो है H2 इज ग्रेटर देन 300, ठीक है जी। तो अगर 300 से ऊपर है तो देखिए यहाँ इस तरह से कंडीशन बनी है और यहाँ ट्रू आ गया, ठीक है, तो वो जो है वो हाईलाइट हो जाने चाहिए। पर ये दो सेल्स को मैं चाहता नहीं, ठीक है जी। अब इसको लॉजिकली कैसे बनाएंगे, लॉजिकल उसमें डालने लायक फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो मैंने ये सम तो ले लिया यहाँ पे, ठीक है जी। इसमें बस मुझे ये फिट करना है कि सम ग्रेटर देन 300 है कि नहीं, ठीक है। अब ये वैल्यू मुझे देगा ट्रू फॉल्स में, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर देता हूँ फॉर्मूले को, तो मुझे पता पड़ जाएगा जैसे ट्रू दे रहा है। तो जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम जब ये फॉर्मूला देते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसे एक साथ अप्लाई नहीं करते, किसी एक सेल पे अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट पॉइंटर के जरिए ऐसे ड्रैग करेंगे। तो फॉर्मूला ड्रैगिंग में क्या होता है कि जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो रेफरेंस मेरा आगे बढ़ चुका है, तो मैं ये चीज चाहता नहीं कि इस तरह से मेरी ड्रैगिंग हो। हालांकि ये लॉकिंग वाले कॉन्सेप्ट आगे क्लियर किए जाएंगे फॉर्मूला में, बट मैं सिर्फ इस चीज का इंट्रो दे रहा हूँ कि इसमें फॉर्मूला यूज होगा कैसे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं यहाँ पे डॉलर के साइन लगा दू। इसका सिंपल हार्ड एंड फास्ट रूल है, सीधा सा, कि जो जिसको आपने बढ़ने से रोकना है उसके आगे आप डॉलर लगा दीजिए। मतलब अगर मैं B2 की बात करूं तो B जो है वो कॉलम है और 2 जो है वो रो है, तो मुझे कॉलम को बढ़ने से रोकना है। मतलब जब मैं इधर ड्रैग करूं तो B का C नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं कॉलम बढ़ने से रोकना चाहता हूं तो उसके आगे डॉलर लगा देता हूं, ठीक है जी। दोनों को बढ़ने से रोकना है तो दोनों के आगे डॉलर। अब मैंने 2 के आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब मैं नीचे करूंगा तो रेफरेंशियल वैल्यू ये वाली होनी चाहिए ना, वैल्यू रो में तो बढ़त होगी। तो कुल मिला के फॉर्मूला इस तरह से सेट होगा। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी करना है पूरा, ठीक है जी। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं बेशक, और किसी एक सेल पे लगा देना, मान लीजिए यहां लगा देना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल पे गया, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहां पे मैंने डाल दिया ये फॉर्मूला और फॉर्मेट दे दिया मैंने येलो ही दे दिया, ठीक है जी, ये दे दिया। अब मैंने क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर को पकड़ के जिसपे वो अप्लाई होना है, मतलब जितना एरिया वो होना है, कलर होना है, उस पर कर दिया। तो इसको मैं खींच के पूरे डेटा पे ले गया कि जहां तक मुझे चाहिए। फॉर्मेट प्रिंटर से क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है, ठीक है जी। तो ये क्वेरी मेरी इस तरह से हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ कोई डायरेक्ट ऑप्शन इस तरह का एक काम करने का नहीं था, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई सर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज में? हाँ, पहली चीज जो याद रखने वाली है कि न्यू रूल्स में जाके ये होता है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला डलेगा जो कि ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ट्रू रिटर्निंग के केस में ही आपका ये कलर होगा, ठीक है जी, फॉर्मेट यहाँ से सेट करेंगे। तो इसके थ्रू आप फॉर्मूला कोई भी बना सकते हैं, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, इन सब से आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि
वैल्यू मनचाही वैल्यू है कि नहीं, और उसके बेस पे कलर करवा सकते हैं। तो ये सोल्यूशन कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, जैसे किसी लिस्ट में आपको चेक करना है कि अगर इसलिए दो लिस्टें हैं दोनों के नाम चेक करना है, वीलुकअप से तो वैल्यू आती है, पर वो वीलुकअप वाला फॉर्मूला लगा के हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि लिस्ट कलर करवा सकते हैं कि इस लिस्ट के नाम इस लिस्ट में ये वाले हैं, कलर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से मतलब बहुत तरह के काम करवा सकते हैं इसमें। और मेरे ख्याल से जो आगे आपको सर करवाएंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूले ही यूज कर करके दिखाएंगे। ठीक है जी, बाकी मैं आपको एक दिखा देता हूँ जल्द।